महान संगीतकारों की श्रृंखला में एक नाम वो है जिनके संगीत के बिना हिंदी सिनेमा और उसका संगीत अधूरा है। चंद्रशेखर जी, आप जो बेहतरीन अब गजल पेश कर रहे हैं सितार पर, उसमें बड़े ही खूबसूरत मेलोडियस किस्म की सितार पेश की गई है और ये सितार मैस्ट्रो थे उस्ताद रईस खान। जी हाँ दोस्तों, रईस खान। मदन मोहन और रईस खान से जुड़ा एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ जिसे मैंने अनु कपूर जी से रेडियो पर सुना था। फ्रेंड्स, संगीतकार मदन मोहन जी और सितार मैस्ट्रो रईस खान की दोस्ती पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फेमस थी। इनकी ऐसी दोस्ती, ऐसी यारी थी कि जिसमें मदन जी के गानों में रईस खान जी ने सितार पेश की है, उन सभी गानों का रेम्यूनरेशन कभी न तो मदन जी ने रईस खान जी को दिया और न तो कभी इसका जिक्र रईस खान जी ने मदन जी से किया। पर एक बार की बात है कि मदन जी के कोई अपने दोस्त, उन्होंने मदन जी से कहा, भाई ये इतने बड़े सितार मैस्ट्रो हैं, उस्ताद हैं सितार के, आपको उनका कुछ ना कुछ तो रेम्यूनरेशन देना बना पड़ता है। तब जाके बाद मदन जी के तो मालूम पड़ी कि उनको कुछ देना चाहिए। और इसका जिक्र जिस दिन रईस खान जी से उन्होंने किया, उस दिन से रईस खान इतने नाराज हुए कि उन्होंने मदन जी के गानों के लिए उस दिन से सितार बजाना छोड़ दिया। ऐसी थी दोस्ती दोस्तों। सुनते हैं एक गजल मदन जी और रईस खान जी की। Thank you.
बात है माँ।